बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खाना और सजाना विद आकिका। बहुत ही मज़ेदार सी डिश लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसका नाम है बनारसी आलू। बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं और बहुत इजीली तैयार हो जाते हैं। तो वो चले आए, देखते हैं कि मज़ेदार से बनारसी आलू बनाने के लिए हमें इन्ग्रीडियंट्स कौन कौन से चाहिए। मैंने यहाँ पर आधा किलो आलू लिए थे, इनको मैंने बॉयल कर लिया है और बॉयल कर इस तरह से थोड़े बड़े पीसीस में आपने इसको काट लेना है। उसके साथ ही साथ एक टमाटर लिया था, उसको मैंने ग्राइंड कर ये टमाटो पेस्ट बना लिया है। 3 to 4 टेबलस्पून हम इसके अंदर इमली का पेस्ट यूज़ करेंगे। मैंने इमली को ओवरनाइट भिगो दिया था और उसके बाद उसकी गुठलियाँ निकाल कर उसको ब्लेंड कर लिया है। मसाला जात के अंदर हम यहाँ पर 1 teaspoon के करीब सौंफ का इस्तेमाल करेंगे। 1/2 tablespoon के करीब हम इसके अंदर लाल सूरत मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 tablespoon गरम मसाला पाउडर, 1/2 tablespoon नमक और 1/4 teaspoon के करीब इसके अंदर हम हल्दी ऐड करेंगे। 1 tablespoon के करीब इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे और कुछ ये धनिया और कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा 3 to 4 tablespoon हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे बनारसी आलू बनाने के लिए। तो मज़ेदार से बनारसी आलू बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है। सबसे पहले हम इसके अंदर सौंफ ऐड करेंगे। सौंफ ऐड करने के बाद हमने 1 से 2 मिनट तक सौंफ को अच्छी तरह भूनना है कि सौंफ का कलर चेंज हो जाए। देखिए सौंफ का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है और इसकी खुशबू भी आनी स्टार्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। आलू ऐड करने के बाद आप इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 1 से 2 मिनट तक आप आलूओं को इसके अंदर मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर भून लें। ये मैंने मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर 1 से 2 मिनट तक आलूओं को अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर ग्राइंड किया हुआ टमाटर ऐड करूंगी और इसके साथ ही हम इसके अंदर ये इमली का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। टमाटर और इमली का पेस्ट ऐड करने के बाद ये सारे मसाले भी इसके अंदर चले जाएंगे और अब हम इनको मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह भून लेंगे। 3 से 4 मिनट तक आपने अच्छी तरह से इनको भून लेना है। तीन से चार मिनट तक मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर आलूओं को अच्छी तरह से भून लिया है और ये हमारे मज़ेदार से बनारसी आलू जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इसके ऊपर हम 1 टेबलस्पून के करीब क्रीम ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हरे धनिए और कटी हुई सब्ज़ मिर्चों से इसको हम गार्निश करेंगे और मज़ेदार से बनारसी आलू रेडी हैं। गर्मा गर्म नान या चपाती के साथ आप इसको एंजॉय कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई और मज़ेदार सी रेसिपीज़ सबसे पहले आप तक पहुँचें। रेसिपी अच्छी लगेगी तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमने इसके अंदर क्रीम ऐड कर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फ्लेम में ऑफ करने लगी हूँ और इसको हम धनिए के साथ और कटी हुई सब्ज़ मिर्चों के साथ गार्निश कर देते हैं। ये इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।